प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ पूरे देश में किया गया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद क्षेत्र में परिषद की अध्यक्ष पद्मा संदीप महेश्वरी और जनपद CEO आनंदी प्रसाद प्रजापति ने नगरवासियों को शपथ दिलाई, साथ ही सभी से स्वच्छता पखवाड़े में सहयोग करने की अपील भी की। इस दौरान कार्यक्रम में CMO नरवरिया, स्वच्छता अभियान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं राजनीतिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने श्रमदान कर माता मंदिर के आसपास क्षेत्र की सफाई करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। वहीं पद्मा संदीप महेश्वरी ने स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक करते हुए कहा, स्वच्छता हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, स्वच्छता हमारे व्यवहार में शामिल होना जरूरी है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। निर्देश सरकार का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत आज 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ अभियान शुरू किया गया है। तो हमने सबको शपथ का प्रारूप दे दिया, पूरा कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है कि सभी जो है जितने भी घटक हैं स्वच्छता के, सब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन जो है कोई ना कोई गतिविधि उसको निश्चित करके करना है। तो हमने यहाँ से निश्चित कर दिया गया है, आज सिर्फ स्वच्छता का कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम से होगा और स्कूलों के कार्यालयों की साफ सफाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं केंद्रों में भी ये कार्यक्रम होगा। इस तरह से 2 अक्टूबर की ग्राम सभा तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। शासन के द्वारा जो योजना अभी चालू की गई है स्वच्छता अभियान की, तो इसमें ग्रामीण अंचल में किस तरह की पहल की जाएगी? शासन के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में साफ सफाई, स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, मुख्य मार्गों पर जो नाले बने हुए उसकी, शौचालयों की सफाई, लोगों को स्वच्छता के संबंध में मोटिवेट करना, हाथ धुलाई कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त जो इस बार एक थीम दी है कि गांव में कहीं पर ज़्यादा गंदगी है उसको इन्होंने CTU नाम दिया है। CTU मतलब ये कोई ब्लैक स्पॉट है पुराना, जहाँ कभी गंदगी साफ नहीं होती, उसको साफ़ करा करके उसके फोटोग्राफ ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पोर्टल पे अपलोड किए जाने हैं। और इस बीच ये पूरे अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता की एक दूरी तैयार करना है।